नाज़रीन आवाज न्यूज़ में भलीकार आवां या बिशार सुमरो आया आया संजा सही थल्ला से हेडलाइन तरफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से सुई सदरन गैस नेशनल हाईवे अथॉरिटी आईबीए सिविल एविएशन ओजीडीसीएल समेत मुख्तलिफ खादन में बरतरफ कल सवे मुलाजमन जो कराची प्रेस क्लब आड़ो एहतजाजी धरणो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री डां मार्च पुलिस मुजाहिरन के सिंध असेंबली चौक से रोके वरतो लटबाजी बरतरफ मुलाजमन मुतालबो किया है बरतरफ कल 16,000 मुलाजमन के बहाल कर फाकाकशी का बचाया वे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का नसला टावर के डाहण जो तैयारियों शुरू थी व्यू जिले इंतजामिया नसला टावर की बिजली और गैस जहाँ कनेक्शन कटे छ्या रहवासियों जो एहतजाज कमिश्नर कराची चवण था नसला टावर के बिन ढीह में मुकम्मल खाली कराने दायो दी मुल्क में कोरोना केसेस में लागीतो घटताई अचण लगी 24 कलाक दौरान हलंदड़ साल सब का घट फोतक रिपोर्ट थी एनसीओसी मुजिब 24 कलाक दौरान 6 मरीज फोत हयाती वाइंदड़ जो अंग 28,392 थी 572 नवा केस रिपोर्ट मजमुई केसेस जो अंग 12,69,806 तीन पहुंची वो 310 मरीज कोरोना में सेहतियाब थी वाया सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की दुबई आमद वली अहद शेख हमदान बिन जैद से मुलाकात दरियल दिलचस्पी के मामले से गालू कारोबारी सरगर्मियों बढ़ाने लाए वधिक मौका गोलन ते तफाक गवर्नर पारा वली अहद के पाकिस्तान अचण की दावत वली अहद शेख हमदान गवर्नर के पाकिस्तान अचण की दावत कबूले वरती गवर्नर इमरान इस्माइल चवण है दुबई में रहंदड़ पाकिस्तानी पैं मुल्क में सीड़पकारी कन हुकूमत भी सीड़पकार के भरपूर सहूलतू फ्राहम कर रही है मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब है टे साल आईएमएफ की ताबेदारी में आवाम जो मुआशी कत्ल कियो है हर रोज आवाम के गरीब और बेरोजगार के पे वे इमरान साहब जी हिकमत अमली ना है मौजूदा हुकूमत महंगाई जो 70 साल रिकॉर्ड तोड़े छो है नालायकी नाअली करप्शन जहा तारीखी रिकॉर्ड टूटी पाया सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच आमनी का असर रखने वाले केस में सूबाई वजीर अवेस कादिर शाह की 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर वरती सिंध केस एहतसाब अदालत में मुंतकिल कर दी मेरान टाउन फैक्ट्री सानो केस जवाबदारन की जमानत की दरख्वास्त वो मामलो कराची की सेशन अदालत ओभर जमानत की दरख्वास्त फैसलो एक भेरो बीहर मुलतवी कर छोड़ो जवाबदारन की जमानत वाली दरख्वास्त फैसलो 29 अक्टूबर से बुधाया वो डीसी एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी समेत 8 जवाबदारन की बुरी जमानत में वार थी गई कराची की एहतसाब अदालत में आगा सिराज दुरानी बेन जवाबदार खिलाफ आमनी का एहसास रखने वाले रेफरेंस की बुधनी आगा सिराज दुरानी समेत 11 जवाबदार अदालत से पेश न थे जवाबदार पारा हाजिरी का छूट की दरख्वास्त दाखिल केस की बुधनी 25 नवंबर तीन मुलतवी अदालत पारा इंदर बुधनी से जवाबदार के पेश कर दो पीसीएच ब्लॉक 6 के रहवासियों तरफा गैरकानूनी ग्रिड स्टेशन खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्त अदालत पीसीएचएस सोसाइटी इंतजामिया के इलेक्ट्रिक रहवासियों के नोटिस जारी कर छाया चीफ जस्टिस रिमार्क्स दिना तो रहवासी बुधन कड़े कानून तहत ग्रीन बेल्ट से घर तामीर कया व्या ग्रीन बेल्ट से तामीर कल घर कबूल ना
उबावड़ो में टे क्लास की शागिर्दियाणी से मुबैना ढाढ़ाई जो इंतशाफ हुआ है। जवाबदार शागिर्दियाणी के मुबैना तो ज्यादती जो निशानो बनाने हफ्ते घर बारा फिटो कर वो मुताफिर शागिर्दियाणी के अस्पताल मुंतकिल कर शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक की है। रतदोरो में अब हथियारबंदन पुलिस अहलकार के पीओ के कत्ल कर छोड़ो। हथियारबंदन फायरिंग करे गोठ वली मोहम्मद बिरोही वासी हाजी दीन मोहम्मद बिरोही के कत्ल कयो। वाकियो बिरोही बिरादरी के बिन धुरन में हलंदड़ तकरार जो नतीजो बुधाया पो वे। बैरकिरी कोभर रेलवे स्टेशन भरसा मामूली गाल्ता कोभर बिरादरी की बिंदरियन में झेड़ो फायरिंग में एक जणो मार्च वो संसार जख्मी गोली लगन सबब असलम कोभर मार्च वो आसिफ जख्मी अस्पताल मुंतकिल। घड़ी असन में कार इल्जाम हेठ कतल कल नौजवान फरहान सरकी के वाक़े जो टिन जवाबदार खिलाफ केस दाखिल। केस में मुख्य जवाबदार पंजल सरकी अब्दुल रशीद गुलाम फरीद सरकी नामजद। पुलिस मुख्य जवाबदार पंजल सरकी की गिरफ्तारी जाहिर कर चली।